नमस्कार। आज का विषय है स्वर मालिका, जिसे सरगम गीत भी कहा जाता है। राग तथा ताल में निबद्ध केवल स्वरबद्ध रचना स्वर मालिका कहलाती है। यहाँ स्वरबद्ध से तात्पर्य है जो शब्द विहीन है, ऐसी रचना जिसमें केवल राग के स्वरों का स्ट्रक्चर है, शब्द बिल्कुल नहीं है। स्वर और तालबद्ध ऐसी रचनाएं सरगम गीत कहलाती हैं, जिन्हें स्वर मालिका भी कहा जाता है। यह रचनाएं विद्यार्थियों के राग ज्ञान, राग के स्वरूप, राग के चलन, राग के विस्तार को प्रकट करती है। सरगम गीतों के अभ्यास से विद्यार्थियों का राग ज्ञान एवं संगीत अभ्यास दोनों ही साधा जा सकता है। विद्यार्थियों को संगीत की प्रारंभिक शिक्षा देने में, राग के स्वरूप निर्धारण करने में स्वर, ताल, लय, स्वरलिपि तथा सरगम के प्रयोग में स्वर मालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ आप समझने का प्रयास करें कि राग का स्वरूप होता है, राग का एक अंग होता है, राग का स्ट्रक्चर होता है, एक रागांग होता है। उस आकृति के निकलने के पश्चात ही राग अपने रूप में खड़ी होती है। साथ में प्रारंभिक विद्यार्थियों को स्वर अपने यथास्थान पर पहुँचे, राग के स्वरूप के साथ पहुँचे, इसलिए भी ऐसे स्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता होती है। यह रचनाएं तालबद्ध होने के कारण विद्यार्थियों को लय और ताल का अंदाज इससे हो सकता है। यह रचनाएं जब विद्यार्थी अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो स्वरलिपि के माध्यम से लिखेंगे तो उन्हें स्वरलिपि का भी अंदाज हो जाता है, और साथ में गीत रचना में, राग में सरगम के प्रयोग को जब किया जाता है तो पूर्व में ही आप सरगम गीतों के माध्यम से सरगम का अभ्यास कर रहे हैं, तो स्वर मालिका का इन सब कामों में बहुत बड़ा योगदान होता है विद्यार्थियों की प्राथमिक समझ को विकसित करने में। स्वर मालिका के संरक्षण और इसके प्रसार करने में भारतीय संगीत पद्धति के संस्थापक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का बहुत बड़ा योगदान है। भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित समस्त रागों में स्वर मालिकाओं का निर्माण कर स्वर मालिका, जिसे भातखंडे सरगम गीत संग्रह भी कहा जाता है, इस पुस्तक का प्रकाशन किया। यह पुस्तक सर्वप्रथम गुजराती भाषा में गायन उत्तेजक मंडली के माध्यम से प्रकाशित हुई, बाद में संगीत कार्यालय द्वारा इसे हिंदी रूप में प्रस्तुत किया गया। स्वर मालिका का स्वरूप कैसा होता है इसे हम देखते हैं इस रचना के माध्यम से। यह रचना राग भैरव में है, ताल झपताल, 10 मात्रा की ताल है। धी ना धी ना ती ना धी ना, सबसे पहले स्थाई सा धा पा पा धा मा पा मा गे रे, सा धा पा पा धा मा पा मा गे रे, गे रे गा मा पा मा गे रे रे सा, गे रे गा मा पा मा गे रे रे सा, नी सा रे रे सा धा धा नी नी सा, नी सा रे रे सा पापा।